हाय फ्रेंड, क्यूबा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुर्ते की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग कैसे आए। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कुर्ते की परफेक्ट फिटिंग कैसे करनी है, जिसके लिए सीना है मेरे पास 40, कमर 36 और हिप है मेरे पास 44। वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि मैं आपको इसमें सारी चीजें बताने वाली हूँ कि कमर कहाँ आनी चाहिए और हिप में भी किस जगह निशान लगाएं कि परफेक्ट फिटिंग है। सबसे पहले हम लोग लेंगे ये सीने का 1/4, ये लेना है हमें यहाँ से 10 इंच। 10 इंच पे हम लोग एक निशान लगा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि इसमें हमें 1.5 इंच बिल्कुल सीधा लेना है। 1.5 इंच सीधा लेने के बाद अब आपको इसके नीचे एक निशान आपको लगाना है यहाँ पे 7 इंच पर। 7 इंच पे एक निशान लगा के यहाँ आएगी हमारी कमर। 36 है तो 1/4 होगा इसका 9 इंच। फ्रेंड्स ये जो मैंने साइज लिए, ये मैंने कुर्ते से लिए। अगर हमें बॉडी मेजरमेंट से कैसे लेना है और कैसे फिटिंग करनी है, इसका मेरा वीडियो चैनल पे है अवेलेबल, आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये कमर का निशान आ गया। इसके बाद हम लोग वापस लेंगे नीचे 7 इंच पे, ये जगह 7 इंच पे। अब यहाँ आएगा हिप पे 44, 44 का 1/4 हो जाएगा 11 इंच। 11 इंच पे ये निशान लगा दिया। अब आपको ऊपर से तो देखिए मैंने सीधा लेके इस तरीके से घुमाया और ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको इस तरीके से मिला सकते हो। हर हल्का सा आपको ये हाथ से राउंड देना है। जब आप इस तरीके से इनका निशान लगाओगे तो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आएगी। फ्रेंड्स आप इसके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।